पंचायत चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ईवीएम की जांच, ट्रैक करने और स्कैनिंग के भी उपाय किए जा रहे हैं। प्रत्येक ईवीएम का अपना अलग आईडी नंबर होगा, जिससे जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी ईवीएम किस प्रखंड और किस बूथ पर इस्तेमाल की जा रही है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच करा लें। अधिकतम मतदान केंद्र वाले प्रखंडों में ईवीएम को दो भागों में रखा जाएगा, पहला ए सेट तथा दूसरा बी सेट। बॉक्स में रखे सभी ईवीएम की आईडी संख्या ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ट्रैक भी की जाएगी।